नमस्कार दोस्तों, सांझा रेडियो 90.8 एफएम और यस टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत करता है आपका अपना दोस्त आरजे अमन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम का नाम है मस्ती की पाठशाला, और मस्ती की पाठशाला में आज मैं इतिहास में बात करने जा रहा हूँ संविधान के धड़कन कहे जाने वाले संसद भवन की। जी हाँ दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करूँ इसके निर्माण की तो ये बहुत ही पुराना है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसके गलियारे की, इसके गलियारे बहुत बड़े बड़े हैं। हर गलियारे में लगभग सुंदर सुंदर फूल वे बाग बगीचे हैं, और इसके चारों तरफ कम से कम 12 द्वार हैं, यानी 12 बड़े बड़े लोहे के गेट हैं। भारतीय सरकारें जितने भी फैसले करती है वो सारे के सारे संसद भवन में ही बैठकर करती है। जब दोनों सदनों के बीच बहस होती है वो सभी सदनों की बहस भी संसद भवन में ही होती है। कहते हैं फ्रेंड्स कि जब अंग्रेजों ने यहाँ से स्थानांतरण किया तब रिटर्न परमिशन भी संसद भवन में ही लिख कर दी थी। उसके बाद दोस्तों इसकी गरिमा उजागर होती चली गई। अगर बात करूँ इसके सदस्य की तो इसमें कम से कम दोनों पार्टी के सदस्य बैठते हैं। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक बड़े बड़े फैसले इसी संसद भवन के बीच लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, संसद भवन के चारों तरफ लंबे लंबे खम्भे लगे हुए हैं जो हल्के पीले रंग के हैं। एक खम्भे की ऊंचाई लगभग 27 फुट है। ये इतने बड़े बड़े हैं कि ये सुंदरता बढ़ा देते हैं संसद भवन की। और फ्रेंड्स, जब कोई राष्ट्रीय दिवस आता है जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त, संसद भवन को बड़ी ही सुंदरता के साथ सजाया जाता है। मतलब संसद भवन पूरी रोशनी में जगमगाया होता है, और रात को इसकी शोभा देखने लायक होती है। यह आम नागरिकों के लिए नहीं खोला जाता, ये सिर्फ नेताओं के लिए ही है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको संसद भवन के बारे में जानकारी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी बातों के साथ फिर से हाजिर होगा आपका अपना दोस्त आरजे अमन लेकर के ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी नॉलेज को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।